हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सबा के जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है और आज का दिन स्टार्ट हो गया। आज है रक्षाबंधन, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आज दावत भी है नीचे, तो वो सारी भी प्रिपरेशन करानी है, थोड़ी बहुत हेल्प करनी है और भी बहुत सारे काम है, कल जाना भी है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड्स अभी किचन में और मैं अभी क्या बना रही हूँ वो आप इंग्रेडिएंट्स देख के समझ जाएंगे। पहली बार बनाने जा रही हूँ, कोई आइडिया नहीं है, तो ये सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। इमली इसको हम इसमें उबलने रख देंगे क्योंकि हम इसका पल्प बनाना है। लंच टाइम में सिर्फ हाफ एन आवर बचा है, मुझे जल्दी से जल्दी बनाना है इसको, कैसे भी मेरा भी मन कर रहा है और मुझे घर वालों को भी खिलाना है। मुझे पता नहीं कौन से स्टेप पहले करना है, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि इमली को धो के इसका पल्प बनाने के लिए रख देते हैं। जाओ इसके अंदर दाल में धो के रख लिए है और प्रेशर लगाएंगे। बाकी सब्जियां मैं अलग से गलाऊंगी, लेकिन इसको मैं सोच रही हूँ इसके अंदर ही डाल देती हूँ। ड्रमस्टिक को हम धो के काट लेते हैं, ये डाल देंगे हम इसमें और ये दाल में हम डाल देंगे कुछ मसाले, हल्दी, मिर्ची। यहाँ पे बन रहा है पल्प, यहाँ पे कुकर का प्रेशर आएगा, लगता है ढक्कन गलत लगा दी। काट लेंगे प्याज और शायद लौकी भी डलती है, तो वो अभी है नहीं है, तो मम्मी ने कॉल कर दिया तो भैया आके बस अभी देखे जाएंगे। प्याज हमने छील के रख लिया, अभी से कट करेंगे, लेकिन किस में डालेंगे उसके लिए निकाल देते हैं हम एक प्लेट। जोर से बंद हो गया। तुम लोगों के पास छोटी, तुम कुतुब पे कर क्या रही हो? तुमने मुझसे बताया भी नहीं कुछ। मैंने सोचा आपको इकट्ठा ही बताऊंगी। बता क्या रही हो तो बता दो। सांभर, आपने खाया है कभी सांभर चावल? आज तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं काम खत्म करके आके सो गया था। जब मैंने देखा किचन में कुछ खटखट हो रहा था, तो उठ गया। मैंने पता नहीं कौन क्या कर रहा है किचन में, बनाने में लगी है सांभर। सब मेरी समझदार हो गई, बड़ी हो गई है। जब समय से वो उठेगी तो पहले एकदम से बिल्कुल भड़बड़ा के उठेगी कि हाँ क्या करना क्या करना क्या करना, फिर मेरे पास आएगी, मुझसे पूछेगी सनी आज का क्या है क्या है, फिर मैं बताऊंगा बेटा ऐसा कर लो ऐसा कर लो। मैं जब करती हूँ ना, मुझे थोड़ा सा एंजाइटी इशू है हमेशा से, और कभी कभी काम का जब ज्यादा होता है, जैसे ब्लॉग भी एडिट करके डालना होता है, इंस्टाग्राम के भी काम होते हैं, फिर घर को भी ऐसा लगता है कि कुछ करो कुछ बनाओ सब कुछ, लेकिन जब सब कुछ एक साथ ऐसा हो जाता है तो फिर सनी के पास जाती हूँ, सनी समझ जाता है कि क्या है, तो उसी चीज को बस वो ऐसे बोल देते हैं रुको पहले ये कर लेना ऐसा कर लेना ऐसा कर लेना, तो जब वो लास्ट में ये कर देते हैं सब हो जाएगा, बस उसी से सुकून मिल जाता है। और हम जैसे लोगों को बस यही दो पॉजिटिव वर्ड चाहिए होते हैं किसी अपने से, जो सिर्फ इतना कह दे कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। बस टेंशन की क्या बात टेंशन की बात है टेंशन की बात है कि तुमने डब्बा गिरा दिया जोश जोश में, खाली है वैसे भी। हाँ। ये ऊपर से दाल निकल रही है, तेज काम करनी जल्दी। दाल गली के नहीं, अरे तो खुद का भी ट्रिक मुझे पता है। गल गई है, ये बन गया हमारा सांभर। तो बस अभी सैलेड बना लेते हैं, फिर करते हैं लंच और देखते हैं सांभर कैसा बना। Few moments later. तो चलिए फ्रेंड्स, मैं हो गई फ्रेश, अभी करते हैं लंच, फिर शाम को रेडी होंगे दावत के टाइम पे और जब भाई को राखी बांधेंगे। हो गया सांभर तुम्हारा रेडी? खुशबू तो मुझे ठीक ठाक लग रही है, भी वैसे ही रहा। तो बेचारी सुबह से वीडियो एडिट कर रही थी, उसके बाद सांभर, उसके बाद अब ये प्याज काटेगी। वीडियो एडिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। पहले आप बस एक काम कर दो, काजू ले आओ। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, अब मैं 2 घंटे अवेलेबल नहीं हूँ तुम्हारे लिए। ओके, मम्मी छीलेगी सब काटेगी। खोलो प्याज। थैंक यू। यहाँ आप क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। ओ ये बिरयानी का मसाला निकाल रहे और सांभर तो खा के बताओ मेरी तो खुशबू कैसे आ रही? बहुत अच्छी किचन में आई तो समझ लो बड़ा से बड़ा काम आसान हो गया। सबको अच्छा लगा, सर ने तो बहुत खाया। अम्मी आप पहले सूंघ के तो बता दो, पहली बार बनाया है अम्मी? बहुत अच्छा, कालोनी की याद आ गई, भोपाल की, भोपाल सरीजा की। हाँ, केरला के रहते थे ना, वो से सांभर बना के देती थी, खुशबू पूरी है। तो बिरयानी बनेगी, कोरमा बनेगा, ये बिरयानी के मसाले अम्मी ने निकाल दिए, प्याज तले रख देते हैं। बेटी खाना कढ़ाई, बड़ी वाली कढ़ाई कहाँ रखी है? और वो कहाँ है दोनों तुम्हारे चांद सितारे? वो गए मार्केट। मार्केट, अच्छा रक्षाबंधन इसलिए गए। यहाँ पे कोरमा जो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे बिरयानी का मसाला थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, बेटी खाला चिकन वॉश निकालेंगे ना, तेल रहेगा ना। हाँ, हो गया गरम, इसकी गैस हम बंद कर देंगे, तेल हो चुका है, प्याज मसल दो मम्मी। तो अभी जब तक प्याज हो रही है मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तब तक मैं अपना ब्लॉग भी बीच बीच में एडिट करती जाऊँ। ग्रीन टी पिला दो मम्मी जान, साथ साथ ग्रीन टी भी पीते जाते हैं हम।
पहले बैठ के ग्रीन टी पियेंगे, थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान में रख के सारे काम करते हैं, एक साथ एक ही चीज में नहीं लग जाते। व्लॉग जो है वो जब मिलाते हैं ना तो 50 मिनट का क्लिप होता है, उसको 15 मिनट 16 मिनट में करना होता है, तो उसमें बहुत मेहनत लगती है कि एक सेकंड बीच का काटना पड़ता है। कहाँ गए थे इतनी देर से? कुछ काम से गए थे। आप जाओ ना, निकलो निकलो निकलो, कैमरा ऑन है, मुंह ढका है। यहाँ पे कोरमा बन रहा है और मैं बाहर ये ले जाके प्याज काट देती हूँ बिरयानी की, मेरे घर में बर्तन धोती जा रही है। अम्मी आप सांभर ऐसे ही खा रही हो? अब मेरे को सही सही बताना, पूरा अच्छा है, कोई कमी नहीं। ये देखो फ्रेंड्स, आप सब रिजा को भी कहते हो अच्छा खाओ और ध्यान दो, तो वो अब बहुत कोशिश कर रही है। ऑल द बेस्ट रिजा। कल ओणम भी था तो आप सबको हैप्पी ओणम। अम्मी कह रही है कि भिंडी के बिना सांभर अधूरा है, तो सही है। आपके दोस्त बताएंगे, चाहे दो तीन भिंडी हो लेकिन भिंडी होना चाहिए सांभर में। तुम भी सांभर चम्मच से खा रहे हो? हम भी खा रहे हैं। तीखा लग रहा है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल तो ऐसा तो होना चाहिए। अच्छा आपको एक चीज दिखाती हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा और काट लो। पानी कम कर दिया। नहीं, दोनों साइड से स्टाइल का तेल निकाल उसको बड़ा काट लो नीचे से। लेकिन तुमने क्या सोच के ऐसे काटा है? खड़ी छुरी मार दी निकल कैंची से काटते ही चीजें। कौन है? ओ क्या चल रहा है? मेहनत तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये सालू बना रही है आज? नहीं नहीं, अम्मी बना रही है। बहुत दिन के बाद चिकन खाने को मिलेगा। एडिट भी करा दीजिए। अरे कराओ, मैं जा रहा हूँ काम से, मुझे फोन आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं? मेहनत हम कर रहे हैं, जो इसने बताया वैसा बना रहे की मेरे हिसाब से बना। अम्मी ने ना मेरे ऊपर डाल दी खराब बनने का, तो बोल रही है सबा की रेसिपी है, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं राखी लेने और इंस्टेंट वाली मेहंदी लेने और स्वीट की और कुछ नमकीन के बॉक्सेस बनवाने के लिए। हमने सोचा है कि हम सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे भाई भाभी डिस्ट्रीब्यूट करते 15 अगस्त में। तो हमने सोचा रक्षाबंधन में हम वॉचमैन भैया लोगों को भी बांटेंगे और बाहर भी लोगों को देंगे। वॉचमैन भैया तो खैर हमारी रक्षा करते हैं, और जब हम इस लायक है तो हमने सोचा है कि हमने हफ्ते में एक बार हम लोग कुछ भी ऐसा खाने की चीज सबको बांटा करेंगे। तो हमें ना 100 बॉक्सेस चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हूँ, 100 कार में आ जाएंगे या 50 लें? पहले 50 बनवाते फिर देखते हैं। स्वीट की शॉप पे आज बहुत भीड़ है। आज फेस्टिवल के दिन हमें इतना सारा तो कोई पैक करके नहीं दे रहा है। अभी हम ये वाली शॉप पे भी पूछ लेते हैं। अल्लाह, इतनी भीड़, इतनी भीड़। ऐसा लग रहा है रियान सही कह रहे हैं, फेस्टिवल के एक महीने पहले मिठाई लेके रख लो। एक महीने पहले ही कुछ तो मिल गया। और अभी राखी ले लेते हैं। सब कुछ ले लिया, आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग घर। अब रेडी होंगे, फिर भाई को बुलाते हैं। राखी बांध निकली, तुम भी रेडी हो जाओ जब तक। और किचन में भी प्रिपरेशन चली रही है। कोरमा जो है वो बन चुका है। बेटी खाला बना रही है जर्दा। बेटी खाला बहुत अच्छा जर्दा बनाती है। और यहाँ पे बिरयानी के चावल रेडी हो रहे हैं, बस बाकी फिर सब हो गया। तेज पत्ते ढूंढ रही है, तेज पत्ते नहीं मिल रहे। जर्दे में डाल गोश्त और जर्दा, मौधैया थिंग। तीन मौधैया खड़े हैं ना यहाँ पे। भूख भी लगी है, बहुत नेट भी लगी है। आ जाओ तैयार होके। आप चमक का पहनूंगी। अच्छा कपड़े कोई निकाल दो चमक का। Few moments later. जल्दी जल्दी यही सूट दिखा, मैंने ये पहन लिया है। आंटी आ गई थी रोटी बनाने के लिए, बाकी खाने नीचे जो है बन रहा है। और मैं पापा लोग के लिए बना रही हूँ शुगर फ्री हलवा, क्योंकि बाकी सबके लिए तो बेटी खाला जर्दा बना रही है। जैसे कि रक्षाबंधन है तो जरूरी है कि सिर्फ भाई बहन को गिफ्ट दे। अगर बहन दे सकती है तो वो भी अपने भाइयों को गिफ्ट दे सकती है। जैसे मैं भाई का गिफ्ट, रेहान का गिफ्ट, और हस्बैंड का गिफ्ट कुछ पता नहीं कहाँ है। रक्षाबंधन पे राखी बनवा लो, खोलो खोलो। लेट कर दिया। क्या लेट किया? मैं तो आ गई 8:30 पे, बोला था बुलाने के लिए। रिजल्ट अच्छी लग रही है मेरी। ये बकरीद वाली रखी थी, बकरीद में इस बार नहीं पहना ना। यहाँ पे बिरयानी सब रेडी हो गई है ना, सही दिख रही है। कलर ही डाला, इसको गीला तो करो कलर को। कलर को नींबू में रस में कर रही हूँ ना मैं। इससे क्या होता है? अच्छा रहता है नींबू के रस में। मैंने भी सुना था। अम्मी बताएगी क्या होता है, क्या होता है नींबू के रस में? बिरयानी मैंने खुद अम्मी को सिखाई, अम्मी क्या बताएंगी। सब अंधे में चीज जला रहे हो, फैलता नहीं है। नींबू से अच्छा तो खट्टा बना जाता है। ये सब झूठ है, ये इसका कुछ और ही राज होगा। रख दिया दम पे। दुकान के हालात आपने देखे थे, तो जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था बाकी लोगों को, वॉचमैन भैया को स्वीट्स, तो वो तो नहीं मिल रही थी। वो लोग सुन ही नहीं रहे थे, बोलते आज तो पॉसिबल नहीं है। और उनका भी कहना सही है, क्योंकि फेस्टिवल का दिन था। तो हम ऐसे सूखी चीजें लाए हैं, ये एक मीठा पैकेट और एक नमकीन पैकेट। हम लोग वॉचमैन भैया लोगों को तो एटलीस्ट दे देंगे। प्लेट सजा लेते हैं राखी वाली। ये प्लेट कम वॉल हैंगिंग ज्यादा लग रही है, पूरी गीली है। तो गर्मी इतनी ज्यादा गीली नहीं होंगी, प्लान कैंसिल। अरे है कुछ कुछ सही है,
ये दो ठीक निकल गई ना। ठीक है, तो आज हम भाई को खिलाएंगे बालू शाही राखी। अभी हम अपनी प्लेट में सजा लेते हैं। आप गाओ के आपसे जैसे कौन है आप बैकग्राउंड में प्लीज गाना गा दीजिएगा। इसे समझो ना, बोले कि मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। ठीक है, चलो हाथ आओ। 1 2 3 इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरे राखी का प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। आप ही गाते हैं। मैं क्यों गाऊंगा? इसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इनको पता है मेरा भाई तू बस मेरी जान है। लविंग ब्रदर वाली राखी लेके आए हम लोग। तो रेडी अपनी राखियों के साथ, और अब भाइयों को बुला लेते हैं। एक भाई तो यहाँ पे हीरो बना हुआ घूम रहा है पीछे, रेडी हो गया। दूसरे वाले को देखते हैं क्या कर रहे हैं। रक्षाबंधन की खाली सज गई जी। हाय आंटी, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। आइए बैठिए बैठिए। हम लोग एक ही टाइप के सूट पहने, बस कलर थोड़ा अलग अलग है। आंटी आ गई है आज। मतलब मैंने ये कलर पहना है तो मेरी इतनी तारीफ हो रही है। बहुत प्यारी लग रही है। तो मतलब ये लाल कलर अच्छा वाला है, लाल कलर चेरी कलर है ये। सब लोग आ गए और राखी बांध। पहनना तुम तो हम सबकी तरफ से आप सबको आप सभी को राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, हैप्पी राखी। मैंने ये भाई ने जो गिफ्ट दिया था ना फ्रेंड्स, वो गले में, हाँ गले में पहन लिया, कान में बाद में पहने। सब लोग आ गए खाना निकाल। ये इसको हाँ ये पहले। थैंक यू। ऊपर फ्रेंड्स क्योंकि मैंने बनाया था शुगर फ्री हलवा। कहाँ गया ये? तो बस खाने वाले दो ही लोग हैं तो थोड़े ही बना दें, क्योंकि क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं दे सकते। क्या चीज है? शुगर वालों के लिए शुगर फ्री हलवा। हाँ, तो जरूरी है। आप मिलके बनाए, मैंने अकेले नहीं, मैंने सिर्फ रेसिपी बताई, अम्मी और बेटी खाला ने बनाए। ठीक है पापा, सही है, बहुत पहले अच्छा लगा आंटी खाना को। 100 out of 100। लेकिन इन लोगों ने ये मैंने थोड़ा बहुत ना अच्छा है, ना ज्यादा मिर्चे ना मसाला कुछ भी। मतलब मैंने तो इतनी ओवर ईटिंग की है और मैं चिकन नहीं खाती, लेकिन आज इतना ऐसे मलाई जैसे लग रहा है, मावा चिकन बना ऐसे लग रहा है। बहुत अच्छा देली बना दो मुझे जल्दी से। अच्छा जर्दा भी इतना अच्छा, जर्दा बेटी खाने बनाया, बेटी खा तुम्हें जर्दा इतना अच्छा है, नहीं तो बहुत मीठा होता है। डबल से खा लेना, मैं लेके जाऊंगी। हाँ कल जाएंगे, आज ये ली जाएंगे सुबह। आज ये निकल गया भाभी सबके साथ नहीं खा पाई थी, पीट ले रहा था जवान, अब खा रही, खा लीजिए। चलो हो गया दावा, चलते जल्दी आए। आप तो सुबह मिलोगे। मिलेंगे सुबह, और भी आते हैं जल्दी। हम तो हर बार बोलते हैं अच्छा लगता है। अरे आपको मिल तो लूं, जल्दी आइएगा।
तो इसने ना शर्म की वजह से उसे ऐसे ऐसे बोला नहीं कि मुझे आपको भी राखी बांधनी है और आप बोल रही है पैसे के जुगाड़ है ना सनी तुम्हारे भाई है जीजू भाई भाई बोलते हैं हम लोग तो मुझे वाला था मेरा भाई तू भी सिंगिंग में गा के आई तो किसने मेरा भाई तू मुझे हंसी आएगी गाना मेरी बहन तू मेरी जान है नहीं इसका है गाना 1000 में मेरी बहन चल रिजा मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगी हमेशा मुझे भी रिजा को कुछ देना पड़ेगा ऐसा थोड़ी होता बहन बहन नहीं देती है ले रिजा तुम भी तो और फुटेज नहीं खाओ दो बार खत्म करेंगे क्या तो आज का रक्षाबंधन यहीं पे समाप्त होता है अभी तक एक बहन रक्षा कर रहे थे दो की रक्षा करनी पड़ेगी एक और जिम्मेदारी एक बहन मतलब क्या मतलब क्या कह रहा बहन मुझे चलो कितना प्यारा सा गिफ्ट मुझे दिया है रेहान ने कपड़े पहने हुए पिकाचू आज ऐसे रुहान भी पहन के आया था ना ये सबसे प्यारा हम दोनों का बचपन का फेवरेट कार्टून डोरेमोन हम लोगों ने इतना देखा है सुबह उठ उठ के देखा रात रात भर देखा कुछ भी और लगाता था बेटी का था मेरी इसकी लड़ाई होती थी दोनों फिर डिसाइड कर लेते थे कि चल डोरेमोन देखते हैं वो भी खुश मैं भी खुश त्योहार मनाइए आ चुके हैं फ्रेंड्स ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह खाना सबको बहुत अच्छा लगा था अभी कल निकल रहे हैं वादा के लिए मतलब अम्मा पापा लोगों के साथ मैं और सनी भी जा रहे हैं सनी कह रहा है अभी पैकिंग मत करो सुबह ही करना मैं क्या करती हूँ थोड़े कपड़े अभी निकाल के रख लेती हूँ वरना सुबह एकदम उठो और भड़बड़ी में कुछ दिमाग काम नहीं करता पैकिंग हो चुकी है मेरी इस साइड मैंने अपने और सनी के कपड़े रख लिए इस साइड अम्मा और पापा के जो न्यू वाले कपड़े हैं वो रख रहे हैं क्योंकि वो लोग एक ही बैग लेके आए थे तो अभी उसमें तो नहीं आएगा तो इसमें ही हम सेट कर लेंगे न्यू शूज हैं इसलिए ऐसे ही रख रही हूँ और शूज वो रखे हैं खराब तो नहीं हुई बॉक्स नहीं, नहीं, बॉक्स के साथ रहो मैंने ये कुर्ता स्टिच किया हुआ मैं भी अपने सूट ट्राई कर करके रखती हूँ क्योंकि जो पहले के वो थोड़े टाइट हो गए ट्राई करके जो आ रहा है उसको रखती हूँ ऐसे नहीं ले जाऊँ फिर वहाँ पे आए ही ना ये पार्सल्स नहीं खोले ये कोलैबोरेशन वाले भी वहीं पे फोटो शूट कराइएगा पैकिंग फ्रेंड्स हो चुकी है सुबह पहनने के लिए मैंने ये कश्मीरी सूट निकाल लिया है तो बस अब मैं चलती हूँ आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जो कि कल ट्रैवलिंग का व्लॉग होगा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स